हाय गाइस, मैं राजवीर आपके लिए और एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ लिंक्डइन एड से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल जो है वो सेटअप कैसे कर सकते हैं, बिकॉज हमने प्रीवियस वीडियो में लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट करना सीखा था एंड लिंक्डइन के बेनिफिट्स को भी समझा था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिंक्डइन सेटअप कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपना लिंक्डइन अकाउंट ओपन कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मी, या फिर आप यहां से जा सकते हो व्यू प्रोफाइल कर सकते हो, या फिर अपडेट प्रोफाइल भी कर सकते हो। ओके, सो मैं यहां पे व्यू प्रोफाइल पे जाऊंगा, बिकॉज इस यहां से ही आप कर सकते हो एंड वहां से भी कर सकते हो, जहां से आपको बेटर लगे वहां से आप कर सकते हो इजीली। देन यहां पे जैसे आप आओगे, इसके बाद आपको यहां पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला, आपको लिंक्डइन कवर पेज एक क्रिएट करना है। इसके बाद आपको एक प्रोफाइल बन लगानी है, एक अच्छी सी प्रोफाइल। इसके बाद आप यहाँ पे चीज़ें ऐड ऑन करोगे। तो जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोफाइल ले लेते हैं। सो एडिट प्रोफाइल बैकग्राउंड पे हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इसके बाद अगर आपके पास कोई प्रोफाइल बनी हुई है तो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। जैसे कि लाइक मेरे पास एक बना हुआ है, तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक डेमो के लिए बता रहा हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, एंड ये जैसे मैंने सिलेक्ट किया है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आ रहा है। यहाँ पे आप आने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा इसे कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे जूम भी कर सकते हो या फिर जूम आउट भी कर सकते हो, यहाँ से फिल्टर कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं आपको यहाँ पे बेसिकली समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ये मेरा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और लिंक्डइन के कवर पेज को बनाने के लिए आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो कैनवा, यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको फोटोशॉप आता है तो फोटोशॉप भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, तो कुछ इस तरीके का आ रहा है। मैं यहाँ पे एक बार कर लेता हूँ इसे रिफ्रेश। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, उसके बाद आप देख सकते हो वो जो है, जो हमने फोटो सिलेक्ट किया था, वो कवर पेज पे मेरा रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये कर लिया है। इसके बाद आप देख सकते हो ये मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है एक डीपी कह सकते हो, डीपी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यूज़ कैमरा का भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप फ़ोन से कर रहे हो, या फिर अगर आपके लैपटॉप में कैमरा है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं कैमरा के थ्रू नहीं, मेरे पास एक फ़ोटो है तो मैं अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करूँगा, उसके बाद आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे हैं इमेजेस। मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ जो मैं यहाँ पे अपलोड कर सकूँ। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ एंड या मैं यहाँ से ये इमेज ले लेता हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ ओपन। जैसे मैं ओपन करूँगा तो कुछ इस तरीके का आ रहा है, बट इस तरीके का आपको एक इमेज बिल्कुल नहीं लेना है। आपको जो यहाँ पे लेना है एक सिंपल, जिसका बैकग्राउंड वाइट हो या फिर ब्लू कलर हो, और एक अपना प्रोफेशनल इमेज लेना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ। सेव फोटो पे मैं क्लिक करता हूँ एंड इस तरीके से आप यहाँ पे ये चीज़ें भी कर सकते हो। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपडेट करना है। अब जैसे आप अपडेट करोगे, देख सकते हो मेरा यहाँ पे कवर पेज एंड प्रोफाइल पिक्चर जो है वो एड ऑन हो चुका है। ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं जो यहाँ पे बेसिक नॉलेज जो डिटेल्स है हमें वो फिल करनी है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे आपको अपना प्रोफाइल लैंग्वेज अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे मैंने इंग्लिश रखा है, अगर आप किसी अदर कंट्री से हो या फिर अदर चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हो तो ऐड लैंग्वेज करके भी आप यहाँ पे जाके, इतने सारे लैंग्वेज आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, तो इन सबको आप ऐड कर सकते हो अगर जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हो। ठीक है, बट यहाँ पे बेसिकली मैं इंग्लिश रखना चाहता हूँ, तो इंग्लिश। उसके बाद आप अपने प्रोफाइल का यूआरएल यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो अपने प्रोफाइल पे जाके, या फिर आप यहाँ भी देख सकते हो पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। इसके बाद आप चाहो तो अपने प्रोफाइल को एडिट भी यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने एडिट पे यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा आपको, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, इसके बाद आपका जो लास्ट का है, ठीक है, उसे आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो यूआरएल को, कि आपका राजवीर शर्मा, आप राजवीर क्या रखना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद आप सेव कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूआरएल भी सेव कर सकते हो। इसके बाद नीचे अगर हम बात करें तो एडिट कंटेंट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जो आपके प्रोफाइल के नीचे शो होगा, तो आप यहाँ से एडिट कंटेंट भी कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन और देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप जैसे ओपन टू है, ये तो ऑलरेडी रहेगा। इसके बाद ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे आपको आना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कोर अपडेट करना है, जैसे ऐड अबाउट। ऐड अबाउट में आपको अपने बारे में कुछ डिटेल्स लिखनी है कि
क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम स्टूडेंट, बिकॉज मैं यहाँ पे स्टूडेंट के लिए प्रोफाइल बनाओ तो आई एम स्टूडेंट। एंड यहाँ पे आप चाहो तो गेट ए आई सजेशन भी ले सकते हो। सो अगर गेट ए आई सजेशन अगर आप लेते हो तो इसके लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी स्किल्स एड ऑन करनी है कि स्किल्स आपकी किस चीज़ में है। तो मैं यहाँ पे जैसे सोशल मीडिया आउटरीच के लिए कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इसे करता हूँ सेव। जैसे ही मैं सेव करूँगा ये मेरा यहाँ पे सेव हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है डन। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये एड ऑन हो चुका है। इसके बाद दोबारा से आपको जाना है ऐड प्रोफाइल सेक्शन में, कोर हमने कर दिया है। इसके बाद आपको कोर में जैसे ऐड पोजीशन, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो पोजीशन डालते, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं नहीं डाल रहा। ऐड एजुकेशन, अगर आप और भी चीज़ें कर रहे हो तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हो। ऐड करियर ब्रेक कर सकते हो, ऐड स्किल्स कर सकते हो, और ज़्यादा स्किल्स है आपके पास, सेट वाई चीज़ें और भी आप करते हो तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हो। इसके बाद रिकमेंड में अगर आप आते हो तो ऐड फीचर्ड इमेजेस आप यहाँ पे लगा सकते हो नीचे। ऐड लाइसेंस सर्टिफिकेशन, ऐड प्रोजेक्ट्स, ऐड कोर्स, ऐड रिकमेंडेशंस भी आप देख सकते हो। एडिशनल चीज़ें में आप और चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आप वॉलेंटियर हो, एक्सपीरियंस है आपको, तो वो चीज़ एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। पब्लिकेशन हो तो भी आप ऐड कर सकते हो। पैटेंट्स एंड हॉनर्स अवार्ड्स अगर आपको मिले तो वो यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। टेस्ट स्कोर अगर आपने दिया है एंड वहाँ पे आपके अच्छे मार्क्स है तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हो। ऐड लैंग्वेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हो। कॉजेस है तो वो भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। एंड कॉन्टैक्ट इन्फो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ऐड कॉन्टैक्ट इन्फो पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप अपना, जैसे मेरा जो प्रोफाइल यूआरएल है वो ऑलरेडी है एंड ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पे है। इसके बाद आप यहाँ पे चाहो तो जैसे अपना फ़ोन नंबर दे सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास अभी कोई फ़ोन नंबर नहीं है, मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं दे रहा, बट अगर आपको फ़ोन नंबर ऐड करना है तो फ़ोन नंबर भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको फ़ोन टाइप सेलेक्ट करना है, होम, वर्क या मोबाइल है, जो भी है वो आपको ऐड ऑन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप एड्रेस देना चाहो तो एड्रेस भी दे सकते हो। इसके बाद आप अपना बर्थडे भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि आपका बर्थडे कब है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जुलाई, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 17। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट रख सकते हो। एंड यहाँ पे आप ये भी रख सकते हो कि जो आपका बर्थडे है वो कौन देख सकता है। तो यहाँ पे योर नेटवर्क है, जैसे ओनली यू अगर आप सिर्फ देखना चाहते हो तो आप ही देख सकते हो, या फिर अगर आप कनेक्शन में खुद के कनेक्शन के लोगों को दिखाना चाहते हो तो वो भी दिखा सकते हो। इसके बाद आप अपने नेटवर्क को सिर्फ दिखा सकते हो या फिर जितने भी लिंक्डइन मेंबर्स हैं उन सबको दिखा सकते हो। तो मैं यहाँ पे योर नेटवर्क रखता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए अगर आपके पास कोई ऑप्शन है या कोई वेबसाइट है, यूज़र नेम है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे स्काइप आपका हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, शेयर चैट, बी चैट, जो भी है आप वो ऐड ऑन कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पे फिल की थी वो सेव हो चुकी है। देख सकते हो 3 स्टेप हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ सकते हो। नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे एनालिटिक्स आप देख सकते हो, अपने प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी मतलब जितने प्रोफाइल पे आपके इंप्रेशंस आ रहे हैं, रीच आ रहे हैं, या फिर कौन आपको फॉलो कर रहा है या अनफॉलो कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप रिसोर्सेज देख सकते हो। एंड क्रिएटर मोड आप जरूर ऑन कर लो। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कनेक्शंस कनेक्ट होंगे एंड आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टच कर सकते हो। तो जैसे देख सकते हो क्रिएटर मोड ऑफ है। अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो गेट डिस्कवर्ड, शोकेस कंटेंट ऑन योर प्रोफाइल एंड गेट एक्सेस टू क्रिएटर टूल्स, तो आपको देखने को मिल जाएगा माई नेटवर्क में सी एंड मैनेज योर कनेक्शन एंड ट्रस्ट एंड सो ऑल 5 रिसोर्सेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे माई नेटवर्क आप देख, मैंने बता दिया है आपको। यहाँ पे पर्सनल डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे एक्टिविटी देख सकते हो, माई आइटम्स देख सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद मैं इसे बैक करता हूँ। बैक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे अबाउट में आप और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे मैंने सिर्फ आई एम स्टूडेंट लिखा है, आपके अगर और भी ज़्यादा अबाउट अस है, डिटेल्स आप फुल देना चाहते हो यहाँ पे, तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ से जाके। एक्टिविटी आप अपनी ऐड ऑन कर सकते हो, क्रिएटिव पोस्ट कर सकते हो। देन सेलिब्रिटी है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ तो आप ये भी रख सकते हो, या फिर अगर आप कुछ और कर रहे हो तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। स्किल्स अपने यहाँ पे टेस्ट टेक स्किल क्विज ले सकते हो एंड उसके बाद आप यहाँ पे स्किल ऐड ऑन करवा सकते हो। उस टेस्ट को पास करते हो तो वो स्किल आपका ऐड ऑन यहाँ पे ऑलरेडी हो जाएगा। इंटरेस्ट में आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो, मेरा 2 इंटरेस्ट है, कंपनी में दैल यूनिवर्सिटी एंड लिंक्डइन यू है, एंड स्कूल्स के लिए मेरा जो यहाँ पे है दैल यूनिवर्सिटी। तो जो भी अगर आपके और इंटरेस्ट है, लोगों को फॉलो करते हो, तो ये इंटरेस्ट आपका यहाँ पे इंक्रीज होता चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे
जो लिंक्डइन का सेटअप है, लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप है, वो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को और मिलता है, शेयर दैट योर हायरिंग एंड अटैच क्वालिफाइड कैंडिडेट। अगर आप किसी को यहाँ पे हायरिंग के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे आप हायरिंग भी कर सकते हो इजीली इसके अकॉर्डिंग। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हायरिंग के लिए आप कैसे कर सकते हो। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय चल रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको वीडियो समझ में आई होगी कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप कैसे कर सकते हो।